सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो लोक राय पॉडकास्ट। अज पहला पॉडकास्ट लैके तुहाडे सन्मुख होए आ। इस पॉडकास्ट दे विच गलबात करांगे पंजाब दे हर मसले ते हर मुद्दे ते। बेशक साडे स्टूडियो दे विच कोई भी शख्स आवे, कोई राजनीतिक लीडर आवे जां कोई पंजाब नूं प्यार करन वाला आवे, हरेक इंसान नूं लोकां दी राय उहनां तक लैके जावांगे ते उहनां तों जवाब भी लवांगे। इस पॉडकास्ट दे विच आस करदा जो पंजाब दे मुद्दे ने वो मुद्दों पर पहरा देइए, वो मुद्दों पर गलबात करिए। मैं ये चाहना कि तुसी इस प्रोग्राम नूं भरपूर प्यार दिओ। अज स्पैशल पॉडकास्ट जिहड़ा कर रहे हैं वो गलबात करनी है कि जो गुरु घरां दे पाठी सिंह ने उन्हां दे हालात की ने। बहुत अहम है क्योंकि जिहड़े पाठी सिंह जिहड़े सानूं गुरु दे नाल जोड़दे ने उन्हां दे मौजूदा हालात की ने। तुसी ये पॉडकास्ट नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनियो। तो पहला स्वागत कर लैंदे आ मेरे नाल भाई जगसीर सिंह खालसा ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, भाई परमिंदर सिंह जी, जो कि सानू संगतां दे रूप रूप कीता है ते अपनी विचार सानू प्रगट करन दा सुभाग प्राप्त होया सानू भी। सोड़ी सारी टीम दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक ठाक हो? पहला तो तुसी जां असीं बड़े भागां ने कि तुहाडे वर्गे रब्बी रूहां दे दर्शन होए ने, क्योंकि साडा पहला जिहड़ा पॉडकास्ट है वो स्पैशल इस मुद्दे ते रखिया कि जिस धरती ते जिस पंजाब दे विच उत्ते रहिंदे आ, इह गुरुआं पीरां दी धरती इस नूं कहा जांदा है, ते जो गुरबाणी दे सिधांतां ते तोरन दी जां कोशिश करदे ने ते जां उहनां लोकां नूं लड़ लाउंदे ने, उहनां दे हालात की ने? सब तो पहला सवाल तो यही बनता कि अज कल दे जे मैं गुरु घरां दे पाठी सिंघां दी गल करां, उहनां दे हालात किस तरीके दे ने? सो परमिंदर सिंह जी, सब तो वड्डी गल इह आ वी जिहड़े अज साडे गुरु घरां दे ग्रंथी सिंह ने उहनां दे हालात बहुत माड़े ने जी। उहनां दे हालात, उहनां दीआं जिहड़े गुरु घर दीआं तनखाहां गईआं, तनखाह बहुत घट ने। उहनां तनखाहां दे नाल उन्हें ग्रंथी सिंघां दा परिवार गुजारा बड़ी मुश्किल दे नाल चलदा जी। बड़ी दुख की गल है कि ग्रंथी सिंघां बहुत ही सारे ग्रंथी सिंघां दे बच्चे अज अनपढ़ ने। इहदा वड्डा कारण यह है कि ग्रंथी सिंह उन्हां स्कूलां दे विच अपने बच्चों नूं पढ़ा नहीं सकता जी, महंगे स्कूलों के पढ़ा नहीं सकता। दुख की गल यह है भी अज दे ग्रंथी सिंह दा कोई भी बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता होवे तां कृपा करके उस वीर दे सानूं दर्शन करवाओ। भी जे किसी बच ग्रंथी सिंह दा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता होवे, साडे स्कूल जिहड़े पिंडां दे ग्रंथी सिंह उहनां दे बच्चां नूं सिर्फ ते सिर्फ सरकारी स्कूल ही चलदे ने, उह भी एक साल दे विच तीन बार स्कूल बच्चे बदलने पै जांदे ने। इह हालात ने साडे ग्रंथी सिंघां दे पिंडां दे अज। नहीं जी, खुल के आपां गल्लबात करदे हां, क्योंकि एक जिहड़ी तुहाडी ड्यूटी लगी है ना, कहिंदे महाराज दे वज़ीर हुंदे ने, कहिंदे रब नूं इहनां दी जिहड़ी अरदास उह मन्नणी वी पै जांदी है। उहनां वज़ीरां दे हालात इन्ने ख़राब रख लो जां इन्ने मुश्किल भली जिंदगी वाले जिस तरीके नाल तुसीं गल्लां करते हो, इह क्यों हो जांदे ने? परमिंदर सिंह जी, गल इह है भी कहण तां सानूं पदवी बाबा बुढ़ा जी दी दित्ती जांदी है भी बाबा बुढ़ा जी दी पदवी दे हकदार ने, गुरु के वज़ीर कह के सत्कारिया जांदा, पर हालात साढ़े मंगत्या नालों भी भैड़े ने। दुख की गल है यह है भी जिहड़ी पोजिशन है जी, फाइनैंशली तौर पर साढ़े ग्रंथी सिंह बहुत कमज़ोर ने, उन्हां दे हालात इस करके माड़े ने भी उन्हां नूं घट तनखाह मिलदियां हैगियां, ज़्यादा काम लिया जांदा उन्हां तों, चौबी चौबी घंटे ड्यूटी है उन्हां दी, रिश्तेदारी दे विच कोई दुख आ जाए सुख आ जाए आदि रिश्तेदार दे दुख सुख दे विच ग्रंथी सिंह शामिल नहीं हो सकता। सब तो वड्डी गल इह है, दुख की गल है भी उन्हूं कोई सहयोग नहीं दिता जांदा ग्रंथ सिंह नूं भी तेरे तू भी परिवार वाला, तू भी रिश्तेदार वाला, भी इस बात तू शामिल हो जी। जे कितें असीं चले भी जाइए तां सारा प्रबंध सामभ के फिर असीं आपदे दुख सुख दे विच शामिल होंदे आ। इह वड्डे हालात अज दे दुख की गल है। इह गल तां पर इही है ना, जिहड़ी सानूं सही हालातां दे विच गल इह है भी असीं आपदे हरेक दे दुख सुख दे विच असीं आप शामिल होंदे आ, असीं किसी दी खुशी दे विच गमी दे विच शामिल होंदे आ, पर साडे भी परिवार ने, साडे भी रिश्तेदार ने ना, असीं उहनां विच शामिल नहीं हो सकदे क्योंकि गुरुद्वारे का प्रबंध पिछे सामने वास्ते कोई नहीं हुंदा।
बिल्कुल जे असी जाने भी हाँ सारा असी प्रबंध करके फिर जाने तो शाम जे असी गुरुद्वारे तो बहर चले भी जाइए ना साडा ध्यान गुरु घर के ही रहा भी उत्थे कोई घटना वापर जे कल गल देनी ना पै जे इस करके दुख की गल आए भी सानू इहदे विच सहयोग मिलना चाहिए जी जेकर आप रखी गल भी सानू सहयोग हो बेपरवाह होकर बंदा आदि रिश्तेदारी जाए आदि जिंदगी विचरे हो अच्छा तुसी की मानते हो कि पाठी सिंह दीआं तनखाह इन्नी घट क्यों है परमिंदर सिंह जी गल ये है भी तनखाह तो प्रबंधक ने देनिया होंदियां मेरी एक निजी राय है भावें तुसी इहदे नाल सहमत ना होवो भी जिहड़े ग्रंथी सिंह दे कारज ने ना ग्रंथी सिंह की जिंदगी यह जी होनी चाहिए उन्होंने कोई फिक्र फाका ना हो कुछ भी उन्हें कोई सहज पाठ ना करना हो कोई परिवार का फिक्र ना हो अपने का परिवार का फिक्र ना हो भी मेरे पिछे परिवार का मैं पालन पोषण किमें करूँगा ग्रंथी सिंह का एक मुख कारज है जी भी वह अपने धर्म का प्रचार करे साढ़े बच्चों गुरबाणी के नाल जोड़े साढ़े बच्चों वो इतिहास दसे ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਕਨ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਡਬਲ ਐਮਏ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਦਾਂ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਆਪਦਾ ਵੇਚ ਲਓ ਵੱਟ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਚਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
एक कमेटी जी बदल दी है पहला वाली कमेटी के नाल मुकाबला करती है भी उस कमेटी ने इन्ना महंगा पत्थर लाया सी ते असी उदू वधिया पत्थर लाउणा है। हालांकि ये हला जिहड़े विचार करनी सी उन्होंने प्रबंधक कमेटियां ने वो ये करनी सी भी वो जिहड़ी प्रबंधक कमेटी बदल के गई है उन्हें किन्ने गुरसिख पैदा किए किन्ने प्राणियों अमृत सकाया उन्होंने किन्ने बच्चों के केसर खाते ये नतीजा कढ़ना सी असी ते नतीजे असी होर पासे चल गए ता ही साडा सिख धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। असी जां तां इहनूं तुसीं बेसमझी कह लो जां साडी नलायकी समझ लो तुसीं नलायकी भी है तो साड़ी बेसमझी भी है भी असी साडे बच्चों दूर करने विच साडा ही बहुत बड़ा रोल है। ताही असी आपदे धुर नाल टुटदे जा रहे हैं ना जे धुर नाल टुटदे जा रहे हैं तो असी सिखी सिद्धांतों तो पिछे भी जा रहे हैं क्योंकि असी सिखी सिद्धांतों तो कोहा दूर टप चुके हैं क्योंकि अजकल दे बेशक मैं पूर्ण तौर पर सिख नहीं है पर मैं वेखदा कि लोग जो अज के नौजवान ने वो अज के जोड़े गायक है कलाकार है उन्होंने कॉपी करते हैं पर जोड़े दूजे मैं तरीके की गल करा कि वो जिस तरीके बाबा बंदा सिंह बहादुर से उन्होंने कॉपी करने की बजाय वो होर पास चल परमिंदर सिंह जी जे साडा कोई रिश्तेदार कोई अफसर लगा हो एस डी ओ लगा हो जे ई लग्या हो साडा रिश्तेदार कोई मिलने जाए उन्होंने तो साढ़े दिल च पहला ये गल बजती है भी ये फलाने का मुंडा साडा ही मुंडा भी ये एडा वड्डा अवसर लग्या होया है तो साडा मुंडा भी अवसर लगे ये नहा हाण का अवसर बन जाए कोई साडी दिल की सौ उदों पहला ये बजती है उहदा रुतबा देख के उहदे दफ्तर विच पहुँच के उहदी कोठी वेख के तो साडे हालात ग्रंथी सिंघां दे पहली गल तो साडा रिश्तेदार कोई सानूं कोई मिल नहीं आउंदा पहली गल ग्रंथी सिंघ नूं कोई रहदा रिश्तेदार मिल नहीं आउंदा दूसरा आ जाए वो अपने दिमाग में यह गल नहीं जाती भी मैं भी अपने पुत्र अपने पोतरे ग्रंथी सिंह बनावा पाठी सिंह बनावा ये हालात ने अद दे इस करके नौजवान दूर जा रहे दूर जा रहे हैं बिल्कुल इस सच्चाई है कोई ये झूठ नहीं ये जिमें तो एक पाठी सिंह हो तो बच्चे जो मनीए जो आपके बच्चों इस लाइन वाल क्यों नहीं लैके आ रहे। परमिंदर सिंह जी का सब तो बड़ा कारण यह है भी जिहड़े अज साडे गुरु घरां दे हालात बने पए ना हालात वो आप जिहड़े साडे ग्रंथी सिंघां दे बच्चे ने वो साडे आपदे पिता नूं वेखदे ने एक अमृतधारी गुरबाणी दे नाल जुड़िया होया बाणी पढ़न वाला गुरु दे बाणी वाला अमृतधारी सिंघ ग्रंथी सिंघ जलील पता किन्हां दे हत्थों हुंदा जलील उन्हां दे हत्थां तों हुंदा है उन्हां दे पक्ष तों हुंदा है भी जिन्हां नूं दस गुरुआं दे नाम याद नहीं जिहड़े प्रबंधक वीर हुंदे ने ना ज़्यादातर परमिंदर सिंह जी इस गल दी तुसीं कोख कर लो विचार कर लो उन्हां नूं सवेर दीआं जिहड़े अमृत वेले बाणियां पढ़ियां जांदियां ने उन्हां प्रबंधक वीरां नूं बहुतिआं नूं पंजी बाणियां दे नाम याद नहीं दस गुरुआं दे नाम याद नहीं। जेकर एक ग्रंथी सिंह बाणी पढ़न वाला गुरु दे बाणी वाला इहो जिहे लोकां दे हत्थों जलील होवेगा तो वो बच्चे की सोचते हो गए सोचो वो सोचते हो गए ना भी साढ़े पिता जलील करते हैं सारे लोग कट्ठे होके कि वो उन्होंने मन में आऊगा भी असी ग्रंथी सिंह बन जाइए कदे भी नहीं साढ़े बच्चे कदे भी ग्रंथी सिंह के बच्चे ग्रंथी सिंह बनने वास्ते तैयार नहीं ये हालात ने अज दे पर इस विषय पर कोई नहीं बोलता जे कोई बोलता उन्होंने दबा दिता जाता है भी भाई तू इस गल ते लैना की है तू आदा काम कर हुण साडे गुरु घरां दे विच ग्रंथी सिंह ने जिहड़े जे उन्हां नूं गल करिए ना उन्हां नाल भी विचार करिए भी भाई तुसी गुरु की गल सुनाओ कोई जिहड़ी संगत आउंदी है उन्हूं गुरु की गल सुनाओ वह पता की जवाब दिंदे वह कहिंदे भी अपना तुसी टाइम पास करो गुरु घर दे विच जे तुसी टाइम पास करना ना चुप करके आदा नितनेम करो अंदर बढ़ जाओ बस ते साडे ग्रंथी सिंघां दे बच्चे तां उह सारा हालात वेखदे ने उह साडे बच्चे सानूं कह रहे ने भी तुसीं जिहड़ा कार्य करना करो करी जाओ पर असीं इस लाइन दे विच नहीं आउंदे। देखो जे असीं ग्रंथी सिंह अपने बच्चों इस लाइन च नहीं पा सकते टीचर का भाव हुंदा भी टीचर का मतलब हुंदा भी ओह ना सोच हुंदी उहदी भी मैं टीचर हाँ मेरा बच्चा भी टीचर बन जाए पटवारी जे लग्या वह कहिंदा भी मेरा पुत्र भी पटवारी बन जाए पर एक ग्रंथी सिंह है ये कदी नहीं सोचता भी मेरा पुत्र ग्रंथी सिंह बन जाए ये हालात ने अज दे। होर देखो परमिंदर सिंह जी साढ़े ब्याह शादियों के असी लखा रुपये खर्च कर दें
लखा रुपया खर्च कर दें असी ब्याह दे विच गाउन वाले नूं बुलाउने आ एक घंटे दा दस लख पांच लख लेके जांदा है। दुख की गल है एक जिहड़ा गंद फैलाउण वाला लचरता फैलाउण वाला हैगा बंदा उहनूं तां असी पांच लख घंटे दा दे रहे हां जी। ते गुरबाणी पढ़न वाले नूं पता किन्ने पैसे मिलदे ने एक घंटे दा 50 रुपये। हालात ने कोई बणू ग्रंथी सिंह तुसीं सोचो इस गल नूं कोई बनने वास्ते तैयार है ग्रंथी सिंह। साडे गुरु घरां दे विच एडे हालात माड़े पैदा करते ग्रंथी सिंघां दे नाल। हुण बहुते गुरद्वारां विच तुसीं चले जाओ उहनां दीआं पंज तों ला के छे सत्त बस इत्थों तनखाहां गईआं महीने दीआं। फिर उह जिहड़े प्रबंधक वीर हुंदे ने उह सिद्धा स्पष्ट तौर कह दिंदे वी असीं तैनूं 6000 देता तू मारा खप जिमें मर्जी टाइम पास कर इस 6000 के तू अपना सारा महीने का खर्चा करना आप अपने पलों करना है। जो भी तेरा रसोई का खर्चा अपने पलों करना है। हुण तुसीं समझो भी 6000 रुपया लैके 200 रुपया रोज़ का बनता है एक ग्रंथी सिंह की तनखा जी 6000 है तो रसोई का खर्चा कितने चले जाऊगा किदा वह हालात न लड़ता होगा। इस विषय तो परमिंदर सिंह जी कोई बोले ही नहीं किसी ने अपने विचार ही नहीं पैदा किए भी साढ़े ग्रंथी सिंह के हालात एदे माड़े क्यों हो गए सही गल क्यों असी अच उन्हों की मदद नहीं करी क्यों ना करिए असी उन्हों की साडा धर्म इस करके पिछे जा रहा है। तुसी होर समझो सारे धर्म सत्कार योग ने तुसी मंदिर के पुजारी को चले जाओ वो ठाठ बाठ देखो तुसी उहदी किन्नी ठाठ बाठ ना रहिंदा उह किसी मस्जिद के चले जाओ उत्थे दी जाके हालात देखो किन्ने सोहने हालातों विचों गुजरते हैं। एक साडा सिख धर्म है जिहड़े इन्हां दे प्रचारक ने जिहड़े इन्हां दे ग्रंथी सिंह ने सब तो औखा जीवन बतीत ग्रंथी सिंह कर रहे हैं सब तो वध गरीबी दे विच ग्रंथी सिंह गुजर रहे हैं साडे प्रचार गुजर रहे हैं। जिहड़ा बंदा आप ही एडे माड़े हालातों नाल लड़दा होवे ते उह तुहाडे बच्चों नूं की सिक्ख्या देगा दुख की गल नहीं है। बिल्कुल बेशक किन्ने चंगे तुसीं कहते हैं भी इमारतां बन गईआं गुरु घरां दीआं पर इमारतां नूं कि जे उत्थे कोई वो दुखी हिरदे च बैठा होगा वो तुहाडे बच्चों नूं की दस दूगा। फिर परमिंदर सिंह जी जिहड़ा गुरबाणी पढ़नी है ना गुरबाणी सोहणे माहौल दे विच पढ़ी जांदी है अमृत वेला ताही गुरु साहिबां ने चुणिया होया भी उदों माहौल बड़ा शांत हुंदा है। गुरबाणी शांत चिंत नाल पढ़ी जावे ना उह सुणन वालिआं ते भी प्रभाव पैंदा उहदा पढ़ने वाले तो रूह खुश होंदी है सुनने वाले की रूह भी खुश होंदी है जदों गुरबाणी अमृत वेले पढ़ी जाती है। पर जे ग्रंथी सिंह बाणी पढ़ने वाले के मन में कुछ होर चलता हो पढ़ता बाणी हो फिक्र उन्हें अपने परिवार का हो गुरबाणी साढ़े दे कितना असर पाऊगी वह साढ़े दे असर नहीं पाऊगी। साढ़े तो चेहरे पर उदो रंग बदले होंगे ने साढ़े बच्चों दी फीसां का घर के गुजारे का होर रिश्तेदारी विच जाण दा खर्च खड़े हुंदे ने पर इस विषय ते साडे नाल कोई भी दुख सुख दा भागी नहीं बणदा भी साडे हालात इदां पैदा हो गए ने असीं रल मिल के साडे ग्रंथी सिंह गुरु घर दे ग्रंथी सिंह ने इन्हां दी हैल्प करिए। बिल्कुल नाले ये भी गल कही जांदी इक एग्जाम्पल है एक कहिंदे जी चिट्टा कुर्ता लिबास दे विच रहिंदे ने बड़ी सौखी जिंदगी जिहड़ा ग्रंथी सिंह भी निभा रहा है उहनूं कोई फिक्र नहीं दो चार सहज पाठ आए वो कर ले गुरु घर के लंगर प्रशादा छक लेना कहते ग्रंथी सिंह का कहता खर्चा होया। परमिंदर सिंह जी ग्रंथी सिंह के कपड़े ते ना जाओ तुसी उहदे हालातों ते जाओ भी उहदी निजी जिंदगी के हालात की ने भी किदां गुजरदा होगा मंग के उन्हें रोटी खानी है डाली करके खानी है तो वह ठाठ बाठ कादी रहेगी वह तो मंगदियां नूं भी भैड़ा ठाठ बाठ कादी रहेगी वो कोई ग्रंथी सिंह वाले दे हालात नहीं वो जिहड़े भी ग्रंथी सिंह कहाउंदे हालात नहीं है। बिल्कुल ग्रंथी सिंह किस तरीके दा होना चाहिए मेरी निजी तौर पर ग्रंथी सिंह गुरु की बाणी नूं समर्पित होना चाहिए। सब तो पहला ग्रंथी सिंह का कार्ज है भी वह अपना ड्यूटी सही तरीके निभाउंदा होवे। दो पॉइंट ने ग्रंथी सिंह दे पहला पॉइंट है पहला नंबर ते आउंदा भी वह अपनी ड्यूटी नूं सही तरीके दे नाल निभाउंदा होवे। दूसरा
अपने करैक्टर पक्षों ग्रंथी सिंह साफ सुथरा होना चाहिए, ये दाग नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। पर परमिंदर सिंह जी इन्हां दोनों पिछे हटा के दोनों अज असी एक मिनट लाने ग्रंथी सिंह कढ़न लगे हाँ। तुसीं कदे भी मंदर जाओ वह पुजारी नूं बहुत छेती नहीं कढ़दे, मासे ते चले जाओ वह अपने काजी नूं नहीं कढ़दे, पर साडे पिंडां विच हालात इदे आ भी एक साल च तीन तीन ग्रंथी गुरद्वारा साहब बदल जाते हैं। बिल्कुल। फिर बच्चे गुरद्वारा सड़न के नाल साढ़े बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होंगे, ये भी इनको सोचता भी ये बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, बस अपना नादर साहिब फरमान जारी कर देंगे ने। एक साल के दो दो तीन तीन गुरु घर बदल जाते हैं ग्रंथी साल के, बच्चों की पढ़ाई पर असर पैंदा, बच्चों का माहौल बदल जाता है, पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होंगे। भड़क गए असं सिखी सिद्धांत तो दूर चले गए, ताइयों साडी कौम बहुत पिछे आके खड़ गई। यही हालात ने ना फिर जो आप साझे कर रहे हैं भी साडा इस पास ध्यान ही नहीं गया भी असं क्यों इत पिछे क्यों जा रहे हैं, साडा इस पास किसी का ध्यान भी नहीं, साडा तो एक माया इकट्ठी करन का ध्यान हो गया सारे भी असं वध तों वध साढ़े बैंक बैलेंस होण गुरु घर के नाम पर। पर वो जिहड़ा गुरु जिहड़ी गुरु की गोलक है कहणू तां असीं गोलक दा भाव हुंदा आवाजाई भी माया गुरु घर विच आउंदी रहिंदी है जांदी रहिंदी है, ये जिहड़ी दसबंध असीं कढ़दे हां गुरु की गोलक दे विच इहदा भाव भी ये हुंदा भी इहदा प्रचार सिख धर्म दे प्रचार ते खर्च होवे, पर असीं इहदे उल्ट जा रहे हां, असीं एकत्र करन ते हो गए, इकट्ठी करन ते हो गए, बैंक बैलेंस इकट्ठा करन दे हो गए, साडी सोच हो गई साडा सिख धर्म नूं अगे वधाउण वास्ते परमिंदर सिंह जी कोई भी ख्याल नहीं है, उहदे कारण ही लभदे सी भी इहदे करीए का की करीए सी। इह सारे पाठी सिंघां दे इही हाल ने, जे मैं पूरे गुरु घरां दी गल करां तकरीबन ही है सारे गुरु घरां दे, कोई ताम टला होवेगा पर हालात ग्रंथी सिंघां दे कोई चंगे नहीं है। परमिंदर सिंह जी मैं बहुत सारे ग्रंथी सिंघां नूं जाणदा जिन्हां ने यह ग्रंथी सिंह की लैन छड के अपने परिवार के गुजारे वास्ते कोई निके निके मोटे मोटे अपने कार शुरू कर ले, कोई परिवार के गुजारे वास्ते वो लैन छड गए। बहुत सारे प्रचारक ने जिहड़े वधिया कीर्तन करदे सी कथा वाचक सी जिन्हां नूं मैं जाणदा वो लैन छड गए जी, ते साडा इहदे ध्यान ही नहीं गया भी साडे ग्रंथी क्यों घट रहे ने। तुसीं होर देखो ये तुसीं आपां सारे वेखांगे इत्थे पांच सत्त साल के ना कोई ग्रंथी नहीं लभना पाठ करने वास्ते जे साढ़े आही हालात रहे, ये सच्चाई है ये दुख की गल भी है। जे असी हालात ना सुधारे साढ़े ग्रंथी सिंह की जिंदगी बारे ना सोचा सी तो कौन ग्रंथी सिंह बन बनूगा, परमिंदर सिंह नहीं बनता कोई ग्रंथी सिंह, ये मेन जिम्मेवार प्रबंधक ने, प्रबंधक ला लो साड़ी बेसमझी ला लो, असी बेसमझ हाँ असी उधरों कोरे हो गए, असी सिख धर्म के प्रसार वास्ते कोई गल नहीं करते, असी कोई भी सिख धर्म असी हुण ला लो भी साढ़े बच्चे ने गुरु घर तो डरते ने, गुरु घर आ ही नहीं रहे, साड़ियां बच्चियां कोई बाणी पढ़न नूं तैयार नहीं, अजकल जे किसी नूं कहने साढ़े कोल समा नहीं है बाणी पढ़न दा, ये हालात ने। हुण आपां बहुत सारे बच्चों गुरबाणी नाल जोड़ रहे हैं, संथिया दे रहे हैं बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब जी की लगातार, परमिंदर सिंह जी साढ़े चार साल तो लैके गुरु ग्रंथ साहिब जी लड़ीवार कथा विचार चल रही है, घटो घट ये 10 साल का प्रोजैक्ट है भी 10 साल के समाप्ति होगी यदि, हुण अपना ग्रंथी सिंह का फर्ज तो बनता ही है, हुण ग्रंथी सिंह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तुहानू गुरु की गल दस रहे हैं, तुहाड़े बच्चों गुरु के नाल जोड़ रहे हैं, तो फिर साडा नहीं फर्ज बनता भी असी साडे ग्रंथी सिंह का ख्याल रखिए उहदियां लोड़ां पूरियां करिए, असी कि वह 5-4 हज़ार दे नाल अपना परिवार का गुजारा कर लूगा, अज दे समें दे विच कोई 6 हज़ार दे नाल कोई बच्चे पढ़ा के दिखावे, कोई 6 हज़ार दे नाल कोई परिवार का गुजारा चला के दिखावे, कोई कोई है कोई इहजा जिहदा घर 5-6 हज़ार नाल चलदा होवे, पर एक ग्रंथी सिंह है जिहदा घर का गुजारा बच्चों की पढ़ाई 6 हज़ार नाल चलदा।
परमिंदर सिंह जी, मैं तुहाडे चैनल दे माध्यम राही बेनती करांगा, जिहड़े गुरु घर दे नाल प्यार करन वाले आ, सतगुरां दी पवित्र बाणी नूं प्यार करन वाले आ, उहनां नूं मेरा एक सुनेहा अपील है, बेनती है भी कृपा करके आपो अपने गुरु घरां दे ग्रंथी सिंह सामभ लो। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।